आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों और रिश्तों के बीच के संबंध को। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस रिश्ते से संबंध रखता है। यदि आपका कोई रिश्ता खराब चल रहा है, उसमें मन मुटाव है, तकरार चल रही है, तो उसके लिए कोई ना कोई ग्रह उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज इसी बात को हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस संबंध के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कौन सा रिश्ता आपका खराब चल रहा है तो कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। एक एक करके चलते हैं हम। आप सब जानते हैं कि 9 ग्रह हैं जन्म पत्रिका में, 9 ग्रह या हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हम सामान्यतया उपयोग में लाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो एक एक करके हर ग्रह और उससे संबंधों को देखेंगे। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि यदि संबंध खराब चल रहे हैं किसी ग्रह की वजह से, तो उनके लिए कौन से सरलतम उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला बिंदु लेते हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, पिता के साथ मन मुटाव होगा, पिता के साथ झगड़े होते होंगे। या फिर इस प्रकार से भी देख लें कि यदि आप पिता का सम्मान नहीं करते, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, पिता की बातों को नहीं मानते हैं और उनसे मन मुटाव या झगड़ा करते हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका को उठाकर देख लीजिए, आपके सूर्य अशुभ स्थिति में होंगे। ये दोनों चीजें सभी ग्रहों के लिए वाइस वर्सा होती हैं कि यदि ग्रह खराब है तो वे रिश्ते खराब होंगे, यदि कोई रिश्ता खराब है तो उससे संबंधित ग्रह अवश्य ही खराब होगा। अब हम दूसरे ग्रह पर आते हैं, चंद्रमा पर। यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ स्थिति में है, पीड़ित है, तो माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, माता से मनमुटाव संभव है। इस प्रकार यदि माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है तो जन्म पत्रिका में देखिए चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु पर, तीसरे ग्रह की बात करते हैं। यदि आपका अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, भाइयों में झगड़ा चल रहा है, तकरार है, मनमुटाव है, भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो आपकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में होंगे, मंगल ग्रह पीड़ित होंगे, मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह, तो बुध ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में है, पीड़ित है, खराब है, तो बुआ, बहन, मौसी, इनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, मन मुटाव चल रहा होगा, तकरार चल रहा होगा, आपस में संबंध आपकी इन लोगों से अच्छे नहीं होंगे। यानी यदि बुआ, बहन, मौसी से आपके संबंध अच्छे नहीं है तो जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं है तो भी आपकी बुध की स्थिति जन्म पत्रिका में सही नहीं है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। यदि संतान पक्ष से आपकी नहीं बनती है, संतान आपकी बात नहीं सुनती है, आप में और आपके जो संतान है उसमें संबंध खराब चल रहे हैं, तो आपके गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि पिता पक्ष से कोई पिता पक्ष में जो रिश्ते आते हैं उनमें कोई समस्या चल रही है तो भी आपके गुरु की अच्छी स्थिति नहीं है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यदि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, तो आपके शुक्र ग्रह
पीड़ित है, शुक्र ग्रह अशुभ अवस्था में है या फिर शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में है। शनि ग्रह की बात करें तो यदि आपके अधीनस्थ जो लोग काम करते हैं या फिर जो लेबर क्लास है उनसे आपकी सही नहीं बनती है, आपके नीचे काम करने वाले लोग आपकी नहीं सुनते हैं, आप में मनमुटाव चलता रहता है, तो आपके शनि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु ग्रह यदि ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो राहु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। इसी प्रकार ददिहाल पक्ष या फिर कह लें पिता पक्ष से जो रिश्ते हैं उनमें आपके अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं तो आपके केतु अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर सूर्य से लेकर राहु केतु नौ ग्रहों से आने वाले रिश्ते और उन रिश्तों के खराब होने पे कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है इसको हमने वाइस वर्षा करके देखा। अर्थात वो ग्रह अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो उससे संबंधित जो रिश्ता है वह खराब होगा, कोई संबंध अच्छा नहीं है तो उससे रिलेटेड जो ग्रह है जन्म पत्रिका में वह अशुभ स्थिति में होगा। अब हम बात करेंगे इनके उपाय क्या हैं। तो यदि आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य को तो मैं सालों से जल चढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे सूर्य शुभ फल नहीं दे रहे हैं, पिता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं है, मान सम्मान भी सोसाइटी में नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि विधि विधान के साथ जल चढ़ाइए। एक तांबे का पात्र लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए जिसमें जल अक्षत चंदन लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ यह डालें, हो सके तो लाल पुष्प भी डाल लें और सुबह सुबह सूर्योदय काल में ही सूरज उगते ही आपको जल चढ़ाना है सूर्य की ओर मुख करके ओम घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सर के ऊपर पात्र को रख के लोटे को रख के कुछ इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है और हो सके तो जल की छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। और यह जो मंत्र मैंने बताया आपको इस मंत्र को जल तो पहले ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी आपको 2-3 मिनट इस मंत्र को जपते रहना है। तो यह आप करें आपको अवश्य लाभ होगा। तो आपके पिता के संबंध आपके साथ जो पिता के संबंध है वे अच्छे हो जाएंगे, समाज में मान सम्मान भी होगा, यदि आप कहीं जॉब करते हैं वहां भी लोग आपकी सुनेंगे, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और सूर्य शुभ फल देने लगेंगे। अब चंद्रमा की बात करते हैं। अर्थात यदि माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप शिव जी की शरण में जाएं, शिव आराधना करें। सोमवार के दिन सफेद फूल शिव जी को या शिवलिंग पर अर्पित करें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि आपके अपने भाइयों के साथ नहीं बनती है तो मंगल ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरा उपाय है कि मंगलवार के दिन गाय को हथेली में रखकर गुड़ खिलाएं। बुध ग्रह की बात करते हैं। यदि आपके बुध ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपकी बुआ मौसी और बहन से अच्छे संबंध नहीं होंगे, उस स्थिति में क्या करना है आपको, गाय को हरी घास खिलाएं कम से कम बुधवार को तो अवश्य ही, और जितने अधिक वृक्ष आप लगा सके आप यह काम शुरू कर दें, वृक्षारोपण का काम शुरू कर दें, जितने अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं आप लगाएं, आपको लाभ होगा।
यदि संतान पक्ष से आपकी नहीं बनती है तो क्या करना है, आपकी गुरु अशुभ अवस्था में, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। तो कृष्ण भगवान को गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र ग्रह की बात करते हैं, यदि शुक्र ग्रह आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमने बात की थी कि दाम्पत्य जीवन में समस्या हो रही होगी, तो शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें शुक्रवार को, या फिर ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप नित्य 108 बार जाप भी कर सकते हैं। शनि ग्रह खराब है तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो लेबर क्लास के साथ संबंध है या आपके अधीन जो लोग काम करते हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो उसका उपाय है शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। और एक सटीक उपाय है कि शनिवार के दिन अपने अधीनस्थ लोगों को आप मिठाई अवश्य खिलाएं। इस प्रकार मैंने शुक्र का जो उपाय बताया था कि लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, एक मंत्र भी मैंने बताया था शुक्र ग्रह का, उसमें भी आप शुक्रवार को सफेद रंग की मिठाई लोगों में वितरित कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। अब राहु ग्रह की बात करते हैं, तो यदि ननिहाल से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो यह राहु ग्रह की वजह से होता है। इसके लिए उपाय है कि काली उड़द को शनिवार के दिन काले कपड़े में रख कर बांध कर आप दान करें और उस दिन ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कम से कम जितने भी जो मैं दान की चीजें बता रहा हूं, कम से कम 7 दिन तो अवश्य करना है, जो भी दिन मैंने बताए हैं, जिस ग्रह के लिए जो भी उपाय बताए हैं, इनफैक्ट जो भी उपाय बताए हैं, कम से कम 7 वार को अवश्य करना है। अब केतु की बात करें, यदि आपके केतु अच्छे नहीं हैं तो केतु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। केतु अच्छे नहीं है तो क्या होगा, केतु अच्छे नहीं है तो जो पिता पक्ष है उन संबंधों में कड़वाहट होगी, तो आपको क्या करना है, केतु के बीज मंत्र ओम खेम केतवे नमः इसका मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। कम से कम 7 शनिवार को, और कुत्तों को रोटियां खिलाया करें, आपको अवश्य लाभ होगा। साथ ही साथ जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ध्यान रखिए कर्म बहुत कुछ बहुत हद तक प्रधान होता है। यदि आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य खराब है तो आप पिता की सेवा करने लगे, उनका मान सम्मान करने लगे, पिता की सेवा और उनका मान सम्मान करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनको प्रसन्न रखने से सूर्यदेव शुभ फल देने शुरू हो जाते हैं। माता की सेवा करने लगे आप, उनका सम्मान करें, आपकी चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में खराब है, आपको परेशान कर रहे हैं, आप भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनके साथ बैठे 4 बातें करें, आपके मंगल अच्छे फल देने लगेंगे। इसी प्रकार बुध अच्छे नहीं है जन्मपत्रिका में, आप बहुत उपाय करके थक गए हैं, आप अपनी बुआ बहन मौसी के साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनको उपहार दें, उनसे 4 बातें करें, उनका सम्मान करें, आदर करें, आपके बुध अच्छे फल देने लगेंगे। इसी प्रकार गुरु, आप लाख उपाय करके परेशान हो गए हैं, संतान के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती या धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो गुरु को अच्छा करना है। तो गुरु को अच्छा करने के लिए क्या करना है, आपको जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, आप उनकी सेवा करें, उनको उपहार इत्यादि दें, गुरु आपके अच्छे फल प्रदान करने लगेंगे। शुक्र की बात करें, शुक्र आपके अच्छे नहीं है, दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, आपने कई उपाय किए लेकिन कुछ सही से नहीं उसका फल मिल रहा है, शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या करना है, आप अपनी
अपने जीवन साथी के साथ, विशेषकर यदि पुरुष हैं तो अपनी वाइफ के साथ आप बातें करें, उन पर क्रोधित ना हो, उनकी बात सुने, उनको सम्मान दें, स्त्रियों का सम्मान करें, तो आपके शुक्र अच्छे फल देने लगेंगे। इसी प्रकार स्त्री की कुंडली में भी शुक्र खराब है तो वे भी स्त्रियों का सम्मान करें तो भी शुक्र अच्छे फल देने लगेंगे। तो स्त्रियों का संबंध शुक्र से है, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार यदि शनि अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, आपने कई उपाय किए, कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है ऐसा, कारण क्या है कि आपने उपाय तो किए लेकिन उनके संबंधों पर ध्यान नहीं दिया है। तो जो भी ग्रह है उनके उपाय कर रहे हैं तो उनके संबंधों को भी साथ में लेकर चलना है आपको। तो शनि ग्रह अच्छे नहीं है तो उनके उपाय के लिए आपको क्या करना है, जो भी परिश्रम करने वाला वर्ग है, लेबर क्लास है, या आपके अधीनस्थ जो लोग हैं उनको आप खुश रखिए, उनके साथ वार्तालाप करें, उनके साथ अपनत्व दिखाएं, उनको एहसास कराएं कि आप हैं उनके लिए, और फिर देखिए कमल, शनिदेव आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी ग्रह हैं वे किसी न किसी रिश्ते को दर्शाते हैं। तो आप जो आज हमने बात की कि कौन सा ग्रह किस रिश्ते के लिए है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उनके उपाय भी मैंने बता दिए, और कोई आप उपाय करते हैं तो लाभ क्यों नहीं होता वो भी मैंने बताया कि आपको उन संबंधों को भी लेके चलना है। उपाय किसी भी ग्रह का चाहे जितना करने, अगर उससे संबंधित संबंध या रिलेशन वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ आप सही से नहीं रख रहे हैं, कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, तो आपके उपाय 100% काम नहीं करेंगे, कुछ परसेंट तक भले ही काम करें। तो आशा करता हूं कि आज का यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।